नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम डॉक्टर रिजवान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस। एग्रीकल्चर वर्ल्ड प्लस में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं एक उत्पाद के बारे में जिसका नाम है एविसेंट। एविसेंट क्या है, एविसेंट के क्या क्या फ़ायदे हैं, एविसेंट का मोड ऑफ एक्शन क्या है, एविसेंट का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जाता है, एविसेंट कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करता है, एविसेंट की खुराक प्रति एकड़ कितनी होनी चाहिए, इन सभी पॉइंट्स पर आज मैं बात करने वाला हूं। हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। एविसेंट क्या है? एविसेंट एक बहुआयामी कीटनाशक है। ये लेपिडोप्टेरान के कीटों को नियंत्रित करने में मुश्किल के खिलाफ कार्य करने वाला कीटनाशक है। एविसेंट विश्व स्तर की पैटेंट तकनीकों जैसे विशिक और पैपिट से संचालित है। इसी की वजह से एविसेंट कीटों पर बहुत बढ़िया काम करता है। इसके इस्तेमाल से किसानों का समय और पैसे की बचत होती है। आइए बात कर लेते हैं एविसेंट के क्या क्या फायदे हैं। अंडों से लेकर वयस्कों तक कीट के सभी जीवन चरणों के खिलाफ प्रभावी असर दिखाता है। एविसेंट में पहली बार विशिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। संजंटा की ओर से पेटेंट की गई फार्मुलेशन तकनीक है। विशिक टेक्नोलॉजी एविसेंट के कणों को अल्ट्रावायलेट यानी प्रकाश के अपक्षयकारी प्रभाव से बचाता है, जिससे इसे ग्रहण करने और पत्ती के माध्यम से वितरित करने के लिए अधिक समय मिलता है, जिससे ये अधिक प्रभावी और विश्वसनीय हो जाता है। दूसरी तकनीक पैपिट फार्मुलेशन के नाम से जानी जाती है। पैपेट एक दानेदार सूत्रीकरण है, लेकिन पानी के साथ मिश्रित होने पर तरल की तरह काम करता है और इसमें धूल का विकास नहीं होता है, जिससे इसका उपयोग आसान हो जाता है और जल्दी घुल जाता है और जल्दी से तैयार हो जाता है। एविसेंट लार्वा का प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करता है और ये वयस्कों और अंडों को बांझ बनाता है। कार्रवाई के दोहरे मोड के साथ लक्षित कीट का प्रभावी विनाश सुनिश्चित करता है। पर्यावरण के लिए अनुकूल है। पौधों में किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिखाई देता है। आइए बात कर लेते हैं एविसेंट का मोड ऑफ एक्शन क्या है, यानी ये कीटों पर कैसे कार्य करता है। एविसेंट के अंदर दो टेक्निकल का कम्बिनेशन होता है। पहला इमामेक्टिन बेंजोएट 5% और दूसरा ल्यूफ्यूनुरॉन 40% WG फार्मुलेशन में होता है, यानी WG का अर्थ होता है बेटेबल ग्रेन्यूल से होता है, जो पानी के अंदर बहुत तेज़ी से घुलकर एक बेहतरीन सांद्रण बनाता है। टारगेट पेस्ट जैसे ही एविसेंट के संपर्क में आता है, 1 से 2 घंटे में कीट खाना बंद कर देता है और 12 से 24 घंटों के भीतर कीट मर जाता है। एविसेंट गावा रिसेप्टर पर काम करता है, मांसपेशियों के संकुचन को रोकता है और एंडोक्यूटिकल के गठन को भी बाधित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप तेजी से कार्रवाई और लंबे समय तक चलने वाला नियंत्रण देता है। आइए बात कर लेते हैं एविसेंट का इस्तेमाल कौन कौन सी फसलों में किया जाता है। एविसेंट का इस्तेमाल मुख्य रूप से मक्का, मिर्च, फूलगोभी की फसलों में सिफारिश की जाती है। इसके अलावा दूसरी फसलों में इस्तेमाल करने का लेबल क्लेम अगर मिल जाता है तो हम आपको जल्द बताने वाले हैं। आइए बात कर लेते हैं एविसेंट कौन कौन से कीटों को नियंत्रित करता है। एविसेंट थ्रिप्स, माइट, फ्रूट बोरर, फॉल आर्मी बर्म, बर्म्स, डायमंड बैक मोथ यानी जिसको DBM के नाम से जाना जाता है, इन सभी प्रकार के कीटों को नियंत्रित करने में सक्षम है। आइए बात कर लेते हैं एविसेंट की खुराक अलग अलग फसलों में कितनी होनी चाहिए। अगर बात करें मक्का की फसल में आने वाला कीट जिसे फॉल आर्मी बर्म के नाम से जाना जाता है, इस कीट को नियंत्रित करने के लिए एविसेंट की खुराक 30 से 32 ग्राम प्रति एकड़ और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। फॉल आर्मी बर्म को नियंत्रित करने का सही समय बुआई के 20 से 25 दिन बाद पहला स्प्रे करें। अगर हम बात करें मिर्च की फसल में आने वाले फ्रूट बोरर, थ्रिप्स और माइट को नियंत्रित करने के लिए 24 ग्राम एविसेंट की मात्रा प्रति एकड़ और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करना चाहिए। इन कीटों को नियंत्रित करने का सही समय रोपाई के 30 से 35 दिन बाद पहला स्प्रे करें। अगर बात करें फूलगोभी की फसल में आने वाला डायमंड बैक मोथ को नियंत्रित करने के लिए 24 ग्राम एविसेंट प्रति एकड़ की दर से और पानी की मात्रा 200 लीटर प्रति एकड़ की दर से इस्तेमाल करें। डायमंड बैक मोथ को नियंत्रित करने के लिए सही समय रुपाई के 20 से 25 दिन बाद पहला स्प्रे करें और दूसरा स्प्रे पहले स्प्रे के 15 दिनों बाद करना चाहिए। आइए बात कर लेते हैं एविसेंट की पैकिंग साइज कितने प्रकार की होती है। एविसेंट की पैकिंग साइज 5 ग्राम, 24 ग्राम, 60 ग्राम
और 120 ग्राम की पैकिंग साइज में उपलब्ध है। आइए बात कर लेते हैं एबिसेंट का 24 ग्राम का खर्च कितना आता है। 24 ग्राम का खर्च लगभग 600 रुपए आता है। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि शेयर करने से हमारा हौसला बुलंद होता है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, धन्यवाद।